वेलकम लर्नर्स, माय चैनल माइसेल्फ परमिंदर कौर। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ एमसीएस 219 का क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द एस्पेक्ट ऑफ आर्किटेक्चरल मॉडलिंग। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स हैं। तो ए पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक एस्पेक्ट, और बी पोर्शन में जो है वो है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट। लर्नर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर करना। फर्स्ट मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है स्टैटिक एस्पेक्ट। स्टैटिक एस्पेक्ट क्या होता है? स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ ए सिस्टम डू नॉट चेंज एज ए सिस्टम रन्स। जो स्टैटिक एस्पेक्ट है सिस्टम का, वो होता है जो सिस्टम के रन होने पे चेंज नहीं होता। अब स्टैटिक एस्पेक्ट डायग्राम के कौन से पार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्टैटिक एस्पेक्ट्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं वो है क्लासेस, इंटरफेसेस, ऑब्जेक्ट्स, कंपोनेंट्स एंड नोड्स, राइट। सो जो स्टैटिक एस्पेक्ट होता है वो मैं आपको आर्किटेक्चरल मॉडल के अकॉर्डिंगली करवा रही हूँ। तो जो स्टैटिक एस्पेक्ट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। जो स्टैटिक एस्पेक्ट है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। इन दिस एस्पेक्ट कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज सब कंपोनेंट्स, और उन सब कंपोनेंट्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको स्टैटिक एस्पेक्ट क्लियर हो गया है कि ये वो एस्पेक्ट होता है जो सिस्टम के रन होने पे चेंज नहीं होता। जो स्टैटिक एस्पेक्ट है डायग्राम के वो पोर्शन डिपिक्ट करते हैं, जैसे कि क्लासेस हैं, इंटरफेसेस है, ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं और नोड्स हैं। नेक्स्ट इज डायनेमिक एस्पेक्ट। तो डायनेमिक एस्पेक्ट होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कंपोनेंट की तो ज़रूरत है, बट साथ में कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन दैट आर रिप्रेजेंटेड और कंट्रोल्ड बाय नोड्स उसको रिप्रेजेंट करता है। सो दिस एस्पेक्ट इज कंसर्न्ड विद द टाइम एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द ऑपरेशन, कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं विद टाइम और सीक्वेंस में ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको डिपिक्ट करने के लिए डायनेमिक एस्पेक्ट को यूज किया जाता है। डायनेमिक एस्पेक्ट इज सुटेबल फॉर हैंडलिंग द रन टाइम मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम स्ट्रक्चर एंड इट फोकसेस ऑन द सिस्टम डायनेमिक बिहेवियर। इसका जो कनेक्शन है वो रन टाइम मॉडिफिकेशन के साथ होता है और सिस्टम के डायनेमिक बिहेवियर को ये डिपिक्ट करता है। सच एस्पेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम डायनेमिक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम एंड स्टेट चार्ट। आई होप कि आपको पता चल गया है कि जो स्टैटिक एस्पेक्ट है इट इज कंसर्न्ड विद द टाइम एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द ऑपरेशन। इसलिए जो डायग्राम्स यूज होती हैं वो कौन सी यूज होती हैं? यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम एंड स्टेट चार्ट डायग्राम। नेक्स्ट इज फंक्शनल एस्पेक्ट। जैसे कि इसका नेम है, जो फंक्शनल एस्पेक्ट है इट यूजली ड्राइव्स द डेफिनेशन ऑफ व्यूज like information, concurrency, deployment and operational.
जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वो डिफाइन करता है दैट हाउ फंक्शंस विल ऑपरेट, कि जो फंक्शंस हैं वो कैसे ऑपरेट होंगे टू परफॉर्म सिस्टम गोल. दिस एस्पेक्ट डिस्क्राइब्स द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन टू सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट. सो इट इज यूज टू सपोर्ट फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट डेवलपमेंट. तो ये किसको सपोर्ट करते हैं? फंक्शनल और परफॉर्मेंस टेस्ट डेवलपमेंट को, राइट. नेक्स्ट इज नॉन फंक्शनल. तो जो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट हैं आर्किटेक्चर मॉडल के, दे डिस्क्राइब द सिस्टम ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज एंड कॉन्स्टेंट्स दैट एनहांस इट्स फंक्शनैलिटी. सिस्टम में जो कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट को यूज किया जाता है. नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स आर द नीड्स ऑफ ए सिस्टम. जो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट हैं वो सिस्टम की नीड हैं, बिकॉज दे आर यूज टू कैरी आउट ऑपरेशंस अंडर ए सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड क्वालिटी एक्सपेक्टेशन. दीज एस्पेक्ट्स आर यूजली वेरी अब्स्ट्रैक्ट, बट ये जो एस्पेक्ट हैं ये अब्स्ट्रैक्ट होते हैं एंड दे स्टेटेड ओनली इनफॉर्मली. सो मैंने आपको क्या बताया कि जो नॉन फंक्शनल है वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को डिपिक्ट करते हैं, जो फंक्शनल एस्पेक्ट है दे डिफाइंस हाउ द फंक्शन विल ऑपरेट टू परफॉर्म द सिस्टम गोल. और जो डायनेमिक बिहेवियर है इट इज यूज टू हैंडल रन टाइम मॉडिफिकेशन ऑफ द सिस्टम. और जो स्टैटिक एस्पेक्ट है इट डिपिक्ट्स दैट दोज पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट डू नॉट चेंज एज द सिस्टम रन. सो आई होप डियर लर्नर्स कि आपको ये एस्पेक्ट्स समझ आ गए हैं. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. Thanks for your time and liking and subscribing my channel.